नमस्कार, मैं हूं निशांत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को तगड़े से हड़काने वाले लहजे में बात की है। कोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस की स्थिति को गुजरात सरकार बहुत आर्टिफिशियल तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। कोर्ट ने अहमदाबाद के अहम कोविड स्पेशल सरकारी अस्पताल को काल कोठरी बोल दिया। कोर्ट ने कहा है कि ये उतना ही अच्छा है जितनी काल कोठरी या उससे भी बुरा है। यही नहीं, वेंटिलेटर से लेकर टेस्टिंग किट्स पर सरकार को सुनाया है, अधिकारियों से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को नहीं छोड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में 377 मौतें कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं, जो कि पूरे प्रदेश का 45% है। कोर्ट ने कोविड 19 से जुड़ी कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान ये बातें कहीं। जस्टिस जेबी परदीवाला और इलेश बोरा की बेंच ने राज्य सरकार को इलाज की सुविधाओं में सुधार के लिए कई निर्देश भी दिए। स्थिति की तुलना डूबते टाइटैनिक जहाज से करते हुए बेंच ने कहा, ये बहुत तनावपूर्ण और तकलीफ देह है कि सिविल अस्पताल की स्थिति दयनीय है। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की हालत खराब है। जैसा कि हमने पहले कहा, सिविल अस्पताल मरीजों के इलाज के लिए होता है, लेकिन आज की तारीख में लगता है कि ये किसी काल कोठरी जितना अच्छा है या काल कोठरी से भी बुरा हो सकता है। हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंकज कुमार, सेक्रेटरी मिलिंद तोरवड़े, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयंती रवि की खिंचाई की और कहा कि स्वास्थ्य मंत्री यानी नितिन पटेल और चीफ सेक्रेटरी यानी अनिल मुकिम को मरीजों और स्टाफ की समस्याओं का जरा भी आइडिया है। ज्यादा मृत्यु दर को वेंटिलेटर्स की कमी से जोड़ते हुए कोर्ट ने कहा, क्या राज्य सरकार को ये कठोर तथ्य पता है कि सिविल अस्पताल में मरीज इसलिए मर रहे हैं क्योंकि पर्याप्त वेंटिलेटर्स की कमी है? राज्य सरकार वेंटिलेटर्स की समस्या से कैसे निपटने वाली है? कोर्ट ने राज्य सरकार से नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है कि अहमदाबाद और बाहरी इलाकों के मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट और कॉरपोरेट अस्पताल 50% बेड कोविड मरीजों के लिए अनिवार्य रूप से रिजर्व रखें। बेंच ने सरकार के टेस्टिंग प्रोटोकॉल पर भी लताड़ा। सरकार ने कोर्ट को एक रिपोर्ट में बताया था कि राज्य के पास मुफ्त में पर्याप्त लैब टेस्ट करने की क्षमता है। सरकार ने कहा कि प्राइवेट लैब्स को तब टेस्ट करने दिया जाएगा जब सरकारी लैब्स की क्षमता खत्म होने लगेगी। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब्स को तुरंत टेस्टिंग किट्स दीजिए ताकि वो सरकारी लैब की दर से ही टेस्ट कर सकें। कोर्ट ने कहा कि लगता है सरकार आर्टिफिशियल तरीके से राज्य में मरीजों की संख्या के डेटा को कंट्रोल करना चाहती है। राज्य में 19 सरकारी लैब RT-PCR टेस्ट कर रही हैं। अब तक 178,000 के करीब सैंपल की टेस्टिंग हुई है। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि टेस्टिंग सेंटर के जरिए उन पर नजर रखें जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि नोटिस में आया कि किट्स की कमी नहीं थी, लेकिन उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था क्योंकि उन्हें राज्य अधिकारियों से अप्रूवल की जरूरत थी। गुजरात में कोरोना के 13,268 मामले सामने आए हैं और 802 लोगों की मौत हुई है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और ललन टॉक का ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।